नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र कस्बे के जहरा पिपरी के मकान के विवाद को लेकर करीब दो सप्ताह पूर्व हुई मार्केटपीट के मामले में पुलिस द्वारा दुकान बंद कराए जाने से परेशान परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दुकान खोले जाने की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपने परिजनों के साथ पहुंची गीता गुप्ता का आरोप है कि कप्तानगंज कस्बे के जहरा पिपरी में उनके ससुर शंभु प्रसाद गुप्ता ने एक मकान को 1994 में मोतीलाल से रजिस्टर मेमानामा किया था, जिसमें उनके परिवार के सदस्य रहते थे। वह सामने मिठाई की दुकान लगाकर अपना जीविका उपार्जन करते थे, लेकिन इसी मकान के लिए मोतीलाल के पोते संजय व राजीव दिवाई न्यायालय मुकदमा लड़ रहे थे। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद मेरिट के आधार पर न्यायालय ने नवंबर 2021 में खारिज कर दिया। इसी रंजिश को लेकर संजय और राजीव ने पुलिस से मिलकर बीते 14 अगस्त को गैर इरादतन हत्या फर्जी मामले में उनके पति ससुर देवर जेठ सहित पूरे परिवार को फंसाकर जेल भेज दिया, जबकि पुलिस उनके कागजातों को एक बार फिर नहीं देखी। पीड़िता ने मांग किया कि उनके परिवार को जो भरण पोषण दुकान के भरोसे होता है, लेकिन पुलिस ने 14 अगस्त के बाद दुकान खोलने नहीं दिया, जिससे परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। पीड़िता ने एसपी से दुकान खुलवाने की मांग। सर, हमारे कप्तानगंज बाजार में हमारी दुकान है जी सर, और जैसे हमारे विपक्षी लोग हम लोगों को दुकान भी नहीं खोलने दे रहे हैं इस समय। हमारे घर के लोग को सभी लोगों को बंद कर दिए, आदमी में कोई नहीं है सर। बस हम लोग औरतें हैं, वो खोलने भी जा रहे हैं तो लोग नहीं खोलने दे रहे हैं दुकान, और बार बार हम लोग को प्रताड़ित करके हम लोग को दुकान बंद करवा रहे हैं। क्यों नहीं खोलने दे रहे हैं, क्या मामला है? कह रहे हैं कि जो फरार है उनको हाजिर कराइए सर। हम लोग केवल औरतें खोल रही, दो छोटे बच्चे हैं। विवाद कैसा है वो? विवाद केवल सर जमीन को लेके है। हमारा उस पर हो गया कोर्ट से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, अपना ताला बंद कर दिए हैं। और एक छोटी सी दुकान और है मीठे की बगल में हम लोग की, उसको भी बंद करवा रहे हैं। हम लोग सर 15-20 दिन से हम लोग नीचे सो रहे हैं उस दुकान के, कि उसमें भी न लोग ताला मार दें। अगर आपकी दुकान है, आप मुकदमा जीत गई हैं, तो इस संबंध में आपने थाने पे तहरीर दी जी सर? लेकिन सर हम लोग थाने पे जाते हैं, थाने पे कोई कार्रवाई हम लोग की तरफ से नहीं होती है। कहते हैं कि कागज सब लोग आपका फर्जी है, आप लोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम लोग इस संबंध में अगर आपकी डिग्री हुई तो आप कोर्ट में क्यों नहीं एक एप्लीकेशन डाली है? सर अभी कोर्ट में डाल लेते हैं, हम लोग यहाँ से नहीं, इलाहाबाद से फिर केस किया है, तो कह रहे कि हम लोग की आप हमारी डिग्री कोई मानी नहीं रख रहा है। आज यहाँ एसपी साहब के आए हैं, क्या हुआ है? सर हम लोग एप्लीकेशन रखे हैं, कहीं दो दिन बाद आप लोग की कार्रवाई उसको होगी दुकान की। अब सर अब यहाँ से तो एप्लीकेशन डाल के जा रहे हैं, अब देखिए कल से क्या हम लोगों के साथ होता है। विपक्षी कौन है जो आपकी दुकान खोल लेने जरा, क्या नाम है उनका? सर संजय और राजू, वही आपके बगल में जी जी, हम लोग की दुकान के बगल में उन लोग का मकान है। और सर हम लोग जब भी दुकान खोल रहे हैं, पता नहीं क्या करके उसको बुला ले रहा है थाने से, थाने से लोग आ रहे हैं, तुरंत हम लोग को बंद करा दे रहे हैं दुकान। सर बीच में एक बार कोई नहीं था, हम गए थे थाने पे, एक जेवर को हमारे उठा ले गए लोग सुबह में। जब आपकी डिग्री है तो पुलिस क्यों आप लोग को परेशान कर रही है? अब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं सर, क्या हम लोग आदमी रहते तो कुछ समझाते हैं, हम लोग औरतें क्या जाने कि हम लोग को क्या किस कारण से ले जा रहे हैं। नहीं सर, हम उस दिन जब देवर को छुड़ाने गए तो बोले कि जो लोग फरार हैं उसको हाजिर करिए। सर हमारे तो दो छोटे बच्चे नाबालिग, उनको भी लोग लिखवाए हैं, और नहीं तो थाने बोले कि जो तुम्हारे दो नाबालिग बच्चे हैं उनको छोड़ के चार लोगों को हाजिर कराइए, और उनको भी नहीं आने दे रहे हैं। जब हमारे बच्चे एक दिन आए, फिर पुलिस को लेके वो आ गया, कह रहा है कि इसके बच्चे आ गए हैं। अब बताइए, नाबालिग बच्चों को भी हम नहीं रख पा रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।